सारा राज्य में तातीर प्रकोप दिन दसटारु तातीर थर्ड डिग्री आरंभ हो जाउछि। उपकूलरु पश्चिम उत्तररु दक्षिण सबुठी पारद डेई जाइछि 40 डिग्री। डहढह खरारे लोके आउटु पाउटु हेउछन्ति। राजधानी लगातार किछि दिन हेलाणी 40 डिग्री उपरे पारद रहुता बेले गतकाली 40.8 डिग्री थिला तापमात्रा। ते पाणीपाग विभाग कहुछि ताती आहुरी 5 दिन रहिब। आभ्यंतर ओडिसा रे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री जाय बढि पारे। तबे आगामी 24 घंटा पई अनुगुल सोनपुर खोर्धा कटक नयागढ़ बौद्ध जिलाकु ग्रीष्म प्रवाह सतर्कता जारी करा जायछि। तेबे आसंता 29 तारीख जाए एभली स्थिति लागि रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तबे राज्य में लगातार भाव में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। ग्रीष्म प्रवाह नहीं विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उत्तर पश्चिम दिग्वर प्रभावित होता गरम एवं शुष्क वायु प्रभाव में राज्य में तापमात्रा मध्य वृद्धि पाउछि। एहा सहित जो उत्ताप बढ़ुछि ताकु नजर रखि सतर्कता अवलम्बन करिया पय मध्य आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु लोकमानकु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आसंता 29 तारीख जाए एभली स्थिति लागि रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एवं सतर्कता अवलम्बन करिबा सहित खरा एवं गरम समय रे घरु बाहरिबा बेले छता एवं ओदा गामुछा को मुंडरे पकाई घरु बाहरिबा पय मध्य अनुरोध करिछि एवं लोकमानकु सतर्कता अवलम्बन करिया पय मध्य निर्देश देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तो राज्य में लगातार भाव में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। जो खरा आगक होगा कथा वर्तमान ठार् खरा अनुभूत होहडह खरार लोके आउटु पाउटु हो जाउछन्ति। राजधानी लगातार किछि दिन हेलाणी 40 डिग्री उपरे पारद रहुता बेले एबे स्थिति आहुरी संगीन हेबो बोली आशंका भी करा जाउछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करिबा हम सहित रही प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी सीधासलख जोड़ी होती। शुभलक्ष्मी, गत दुई दिन हेला राजधानी तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहुछि। प्रथमे 43 डिग्री एवं तापरे 40 डिग्री उपरे रहुछि तापमात्रा। आजिर तापमात्रा कौन हेबो? देखो आम जब बर्तमान देखिए केवल राजधानी नुह सारा राज्य में बर्तमान तातीर प्रकोप जारी रही। कारण देखी आम गत 24 घंटा 27 सहर रे तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही। से भाव जब देखा 16 सहर रे तापमात्रा 42 डिग्री ऊपर और 8 सहर रे तापमात्रा 43 डिग्री ऊपर रही। तो यही भाव जो तातीर प्रकोप जारी रही जहाँ पाणीपाग केन्द्र पक्षर कहुई आगक स्थिति जारी रशेषकर जी आम देखा 29 तारीख पर्यंत तातीर त्राही मिलिबनी बोली जहाँ सूचना मिली। आ राजधानी कथा जदि आम देखा गत 3-4 दिन है राजधानी में जो भाई भाव तातीर प्रकोप जारी रही निहाती भाव आम कहीपर साधारण जनजीवन गोटे प्रकार अस्तव्यस्त हो। जदिओ आम देखी तापमात्रा राजधानी दुई दिन तले 43 डिग्री अतिक्रम कर सारीला कि गत काली जदि आम देखा 40 डिग्री 41 डिग्री तलू रही तापमात्रा। तो यही स्थिति आगक आहरी 3-4 दिन पर्यंत जारी रहिबो जेहेतु ओडिशा को वर्तमान पश्चिम दिग्वर शुष्क वायु प्रभाव रही आईपाई तापमात्रा बढ़ी चलती। अंपटे आम जब देखा किसी स्थान में कालबैशाखीर संभावना रही कि कालबैशाखीर अधिक मात्रा अधिक नाही से जो जगार भी रही गोटे दुईट जगार कालबैशाखीर संभावना रही कि तार प्रभाव ताती उपर विशेष पड़बनि बोली जहाँ सूचना रही। कारण कालबैशाखीर मात्रा अधिक हेब ना काम भा किसी स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा हबार अच्छी। तो ताती कथा जी आम कह यही आगक जारी रशेषकर जी आम देखा आभ्यंतरण ओडिशा जहाँ सूचना रही पाणीपाग केन्द्र आभ्यंतरण ओडिशा तापमात्रा आहरी 2-3 डिग्री बढ़ी संभावना रही। निश्चित भाव तेज शुभलक्ष्मी वर्तमान मे मास होना मे मास पूर्व एप्रिल मस खरा अनुभूत होगा और मे मसर खरा को अपेक्षा कर मे मस अधिक खरा होता है सेते बेले प्रचंड खरा हेबो एवं से स्थिति को देखिले वर्तमान स्थिति जहाँ अनुमान करा जाय पारिबो एहा एक आसन्न स्थिति मात्र मे मास आहुरी खरा होई पारे। निहत भाव आम कहीपर जो भाई जारी रही ताती आगक जारी र कि नहीं वर्तमान ठारू तो कह जापरि किंतु आम देखिपर जो भाई भाव ताती जारी रही गोटे समस्त गोटे कष्टदायक रही मात्रा ताती हो मुख्यतः जदि कह चाहिए मार्च रु मे मस पर्यंत ओडिशा रे काल बैशाखीर मात्रा अधिक रही है। आई काल बैशाखी जनित वर्षा जो ताती बढ़ले
ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବା ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦିନର ଯେଉଁ ତାତି ବଢ଼ିଥାଏ ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା କାଳ ବୈଶାଖୀର ଅଭାବ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରଠାରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବା କାଳ ବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବିଶେଷ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ପାଗରେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, କାଳବୈଶାଖୀ ହେଉ ବା ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାତିରୁ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।